हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। कार्यपालक सहायक के यहां पर बड़ी भर्ती होने जा रही है, वो भी 8,000 पदों पर। बिहार में जितने भी पंचायत हैं, सभी पंचायतों के अंतर्गत बिल्कुल नई बहाली होगी, जो कि बेल्ट्रॉन की तरफ से बहाली होगी। ये बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, जो कि पंचायत राज के मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आया है। तो पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ऑफिशियल न्यूज़ एंड नोटिस पर, जो कि आज का ही ऑफिशियल न्यूज़ है। प्रभात खबर का पटना एडिशन में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगा, या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी जाके इसको आप देख सकते हैं और आसानी से रीड कर सकते हैं। भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में बोले पंचायत राज मंत्री कि पंचायतों में बहाल होंगे 8,000 नए पंचायत कार्यपालक सहायक। जी हाँ फ्रेंड्स, 8,000 नए कार्यपालक सहायक बहाल होंगे बिहार के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में। और ये जो है पंचायत राज के मंत्री ने खुद यहाँ पर ये कहा है, जो कि देख रहे हैं आप, यहाँ फोटो भी देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएँ सुनते मंत्री जो है सम्राट चौधरी वो नीरज कुमार बबलू। तो यहाँ पर बहुत सारा अपडेट है, ठीक है। तो जो मेन अपडेट है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि सहयोग कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी और वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लोगों की समस्याएं सुनी। और इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत कार्यपालक सहायक को बहाल किया जाएगा, साफ क्लियर है। और अब तक जो है विभाग के स्तर से 7,600 पंचायत कार्यपालक सहायक की बहाली कर ली गई है। यानी अभी तक जो है 7,600 यानी कि 7,600 कार्यपालक सहायक की बहाली हो गई है, और ये जो है बिहार के अंतर्गत पंचायत में काम भी कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही जो है 8,000 यहाँ देखिए 8,000 नए कार्यपालक सहायक, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि जो लिस्ट में है ये वगैरह, सीधा बोल रहा है कि नए कार्यपालक सहायक जो है 8,000 बहाली की जाएगी, साफ साफ यहाँ पर क्लियर है। और पंचायत राज मंत्री सहयोग कार्यक्रम में के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे और आगे कहा है कि उन्होंने कहा कि इसके लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी और इसके बाद ही चयनित अभ्यर्थियों की इसमें बहाली होगी। तो यहाँ पर मेन अपडेट यहाँ पर था कि 7,600 बहाली हो चुकी है और 8,000 नए कार्यपालक सहायक की बहाली होगी, और ये जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद बहाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चयनित अभ्यर्थियों की इसमें बहाली होगी। तो यहाँ पर जो है आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, 8,000 कार्यपालक सहायक जो बनना चाहते हैं बिहार के पंचायत में, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पंचायत राज मंत्री का बयान है और ये तैयारी भी शुरू कर दी गई है और बेल्ट्रॉन की तरफ से एग्ज़ाम होगा। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने दिखाया था लेटर आपको, 3/8/21 का था लेटर, जिसमें कहा गया था कि सभी जिला अपना अपना पैनल से बहाली करेंगे, लेकिन उनको जो है फिलहाल रोक दिया गया है। एक 12/8 का लेटर है। तो यहाँ पर फिर से जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा ही बहाली की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए एग्ज़ाम के लिए, बुक वगैरह तैयार है बिल्कुल, ठीक है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप बुक को अभी से रीड कीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन डीओ का जो एग्ज़ाम में आया था वो वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो सभी बुक को आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आप ज़रूर पास कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंत्री ने कह दिया तो एग्ज़ाम ज़रूर लिया जाएगा, बहुत जल्द इसकी वैकेंसी भी आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।